इस खबर के प्रायोजक है ब्राइटल लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट। आइए मिलकर करें बकरी फार्म उद्योग की शुरुआत। कंपनी द्वारा अच्छे नस्ल की बकरी की उपलब्धता कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। असीवन थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी नाबालिग की मां ने पुलिस से लगाई है गुहार। दो युवक के विरुद्ध अपने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। 25 दिन से भटक रही इस नाबालिग की मां के गुहार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। नाबालिग के माँ का कहना है कि करीब 1 जून 2020 को मेरी 17 वर्ष की बेटी थाना क्षेत्र के पाठकपुर अपने मामा के यहाँ गई थी, जहाँ उसी ग्राम निवासी श्याम पासी पुत्र शिव मूर्ति के संपर्क में हो गया। युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी समय उसके दोस्त मोहित धोबी पुत्र शंभू ने उसका अश्लील वीडियो तथा फोटो बना लिया। युवक के दोस्त ने नाबालिग का अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने तथा उससे भी शारीरिक शोषण किया। वही शिकायत न करने की धमकी देते हुए युवकों ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाना प्रभारी राज बहादुर ने बताया कि मामला 1 वर्ष पुराना है। नाबालिग के माँ के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। सीओ बंगराऊ आशुतोष ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्नाव से जयगम नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीएन न्यूज बिहार। मेरी जन्मतिथि 21/5/2003 है। पिछले वर्ष 2020 में जून के महीने में मैं अपने मामा के यहाँ पाठकपुर गई थी। तभी वहाँ मेरी दोस्ती श्याम उपासी से हुई और मेरी उससे बातचीत होने लगी। उसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरा बलात्कार किया। तभी मोहित धोबी ने मेरी फ़ोटो और वीडियो बना दिए और दोनों की जानकारी में ये बातचीत थी और उन्होंने मुझे धमकी दी, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम दोनों तुम्हारा फेसबुक पर फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर देंगे। उनकी बात मानने के बावजूद भी उन्होंने मेरी फेसबुक पर सोशल मीडिया पर फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर दिया और मुझे धमकी दी कि तुम अगर और जो हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। जब ये बात मेरे मामा को पता चली तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बताई। तभी जाकर मेरे मम्मी पापा ने असीवन थाने में 6/5/2021 में एप्लीकेशन दी। इतने दिन हो जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। कल उन्होंने हमें बुलाया, रात के 12:30 बजे तक बैठा के रखा और उन्होंने जोर जवाब डालने की कोशिश करी ताकि ये एप्लीकेशन हम बदल दें। उन्होंने बोला एप्लीकेशन गलत है, इसे बदल कर दूसरी लिखो। वो बोल रहे थे कि इसके अंदर तुम्हारा नाबालिग लिखा हुआ है, इसे बदल कर तुम इसमें अपना बालिका लिखाओ। उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारे परिवार को मारेंगे और वो मुझे कट्टा दिखाकर रोज धमकी देते थे। बोलते थे जैसा हम बोले वैसे ही करो। उन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करके मेरा बलात्कार किया। तो काफ़ी 5-6 बार किया उन लोगों ने। कितने समय तक बना था? 1 वर्ष तक। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। हमारी लड़की के साथ दोनों मिलकर बलात्कार किया है। दोनों ने मिलकर अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। कल शुक्रवार था और मैं आसिमन थाने गई थी और वहाँ मुझे रात तक बिठाए रखा। 7:30 बजे की गई, वहाँ पे 12:30 बजे तक मुझे बिठाए रखा और हमने आने की कोशिश की तो हमें आने नहीं दिया और एप्लीकेशन चेंज कराने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे मतलब ये बालिक की वो लिखो, एप्लीकेशन दूसरी लिखो, वो चेंज करो। फिर मैं ज़बरदस्ती में मेरे भाई ने मतलब फ़ोन किया ऊपर, फिर मेरे भाई ने फ़ोन करवाया ऊपर से तो उनके पास एसओ के पास फ़ोन आया जब हम वहाँ से निकले।